ओके सो गाइस लाइक टुडे मतलब वी विल बी कवरिंग दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट. लेट मी फर्स्ट वॉक थ्रू व्हाट लाइक मींस हम क्या आज पढ़ने वाले हैं. सो पहले हम पढ़ेंगे लाइक कि हमें दिस कीवर्ड के बारे में क्यों जानना चाहिए, लाइक व्हाई शुड वी केयर अबाउट दिस कीवर्ड. देन हम पढ़ेंगे स्कोप्स के बारे में, देन जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के स्कोप हैं और लेक्सिकल स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और एक फंक्शन को हम कितने तरह से कॉल कर सकते हैं, और एट द एंड जावास्क्रिप्ट में दिस बाइंडिंग किस तरह से काम करती है. सो जावास्क्रिप्ट में दिस बाइंडिंग समझने के लिए लाइक हमको सबसे पहले जो ऊपर के 5 पॉइंट्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है. ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन है लाइक व्हाई शुड आई केयर अबाउट दिस. सो मतलब आप लोगों में से कोई बताएगा लाइक हम दिस क्यों पढ़े. आप सभी लोग यहाँ आए हो, लाइक हमारे पास और भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लाइक रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम दिस कीवर्ड के बारे में क्यों पढ़े. आई थिंक बिकॉज डेवलपमेंट में दिस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल्स को पास करते हैं, होता है कि हम कोई भी डेवलपमेंट के टाइम पे वेरिएबल्स को पास करें फंक्शन में, तो दिस को ही यूज करके हम उसे एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टीज को. यस दिस इज द वन ऑफ द रीजन. सेकंड मतलब और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा. इसकी वैल्यू सर बहुत बहुत बार कंफ्यूजिंग रहती है, फंक्शन के बाहर फंक्शन के अंदर. कभी बार वो ग्लोबल को रेफरेंस देता है, कई बार ऑब्जेक्ट को देता है, तो हमें कौन से टाइम कौन सा यूज करना चाहिए तो हमें दिस का तो होना ही चाहिए. ये कौन से टाइम पे किसको रेफरेंस कर रहा है, हमको वैल्यू गेट कर पाए. यस ये सेकंड रीजन. और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा. क्लास कंपोनेंट में सर बीसीसी पीसी का बहुत सारा यूजेस रहता है, हाँ. जिससे क्लास कंपोनेंट में हमें ये इसका फ्यूज बहुत करना पड़ता है. यस यस सो मतलब जो भी लोग अगर रिएक्ट पे काम कर रहे हैं या करेंगे, सो रिएक्ट में कुछ साल पहले क्लास कंपोनेंट्स होते थे. जो लोग क्लास कंपोनेंट्स पे काम कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि लाइक क्लास कंपोनेंट्स में दिस के बारे में समझना ही एक लाइक एक अलग अलग कोर्स समझ लो, कि भाई तुमको अलग से डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता था दिस के बारे में समझने के लिए. हाँ सर एक्चुअली था वैसे. हाँ राइट राइट बहुत परेशानी होती थी. यस और लेकिन सर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच वाले जो लोग थे ना वो ज्यादा इजीली अप्रोच कर पाते थे. हमारे जैसे हम फंक्शनल अप्रोच करते तो हमें समझ में नहीं आता था एग्जैक्टली क्या चल रहा है. ये सोचना थोड़ा गलत है, बिकॉज जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पर्सन है उसको और ज्यादा कंफ्यूजन होगी दिस समझने में, बिकॉज जावास्क्रिप्ट का जो दिस कीवर्ड है इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. हम अभी थोड़ा आगे देखेंगे इसके बारे में. तो मैंने भी कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं सो कि हमें क्यों दिस के बारे में पढ़ना चाहिए. सो अगर हमें दिस कीवर्ड के बारे में अच्छे से पता है सो हम कोड को इजिली डिबग कर पाएंगे, और हमें पता रहेगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रहा है. बिकॉज हमारे कोड में बग्स तभी आते हैं जब हमें लगता है कि कोड हमारा ऐसे काम करेगा बट हमारा कोड किसी और तरह से काम करता है. तो सो दैट मतलब हम सिंक में रहेंगे कि भाई जो कोड मैंने लिखा है वो वैसा ही काम करेगा, और हम कोड थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं और अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में हम अपने कलीग्स की हेल्प कर सकते हैं कोड को समझने में या दिस को समझने में. सो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं. अगली जो चीज है हमारे पास वो है लाइक हाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो दैट वी कैन क्लियर आर इंटरव्यूज, बिकॉज इंटरव्यूज में दिस के ऊपर जरूर पूछा जाता है. आप कोई भी इंटरव्यू दे लो जावास्क्रिप्ट का. सो नेक्स्ट चीज है स्कोप्स. सो स्कोप्स के बारे में कोई कुछ ऐड करेगा लाइक कि स्कोप्स होता क्या है. कितने उसमें एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में डिफाइन करा हमने एबीसीडी, तो हम एबीसीडी का स्कोप है कि वो उसी में रहेगा. अब ये भी डिपेंड करता है कि वेयर है, कॉन्स्ट है या लेट है. ये जो मतलब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं किस वेरिएबल को कहाँ खोजूं, मैं पूछ रहा हूँ स्कोप क्या है. एक लिमिट या बाउंड्री होती है जिसके अंदर हम वेरिएबल या कोई भी डिफाइन चीज को एक्सेस कर सके. हाँ राइट. सो दूसरे टर्म में और इजी अगर मैं बताऊं तो मेमोरी में कोई ऐसी जगह जहां पे हम कुछ वेरिएबल को ढूंढते हैं, और इजी लैंग्वेज में ऐसी कोई जगह जहां पे हम वेरिएबल्स को खोजते हैं. तो सिंपली अ प्लेस इन मेमोरी वेयर वी लुक फॉर थिंग्स. और थिंग्स क्या होती हैं, तुम्हारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकता है. तो इसको हम स्कोप बोलते हैं. अगर हम कोड में देखें कि भाई स्कोप कैसे काम करता है, तो लाइक यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक फंक्शन बना है टेस्ट, और यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स जिसको मैंने कंसोल किया है. तो जब लाइन नंबर 6 मेरी एग्जीक्यूट होगी, इसे मैं जूम कर देता हूँ,
लाइन नंबर 6 जब एग्जीक्यूट होगी तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये एक्स को खोजेगा। अब जब वो एक्स को मतलब सर्च करने जाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि मैं एक्स को कहाँ कहाँ सर्च करूँ मेमोरी में, और जहां सर्च करना होगा वो चीज होगी स्कोप, और वो स्कोप होगा ये फंक्शन स्कोप टेस्ट का। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्कोप। तो आप लोग बताओ लाइक कितने टाइप की स्कोप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करते हैं? ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, फंक्शन ब्लॉक स्कोप भी होता है, ब्लॉक स्कोप, किसने बोला था लोकल स्कोप और लेक्सिकल स्कोप। हाँ लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ये पांच स्कोप होते हैं अपने पास, ठीक है, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, फंक्शन, ब्लॉक और लेक्सिकल या फिर स्टैटिक स्कोप। अब एक एक करके ना इन सारे स्कोप को एक बार समझ लेते हैं। सो जो ग्लोबल स्कोप होता है वो तुम समझ लो कि लाइक एक पूरा तुम्हारी फाइल का स्कोप, इसे एक हम डायग्राम से समझते हैं तब ज्यादा इजी होगा। देखो जब भी जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास एक स्कोप बनता है जो ऑलवेज अवेलेबल अवेलेबल रहता है जब तक जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, जब तक तुम वेबसाइट एक्सेस करते हो, और उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ये ग्लोबल स्कोप हमेशा रहता है, इसको तुम चेक भी कर सकते हो सिंपली, जो भी तुम्हारी एप्लीकेशन है इंस्पेक्ट पैनल ओपन करो, सोर्सेस में जाओ और कहां पर आता है स्कोप। अच्छा मुझे ब्रेक पॉइंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे शायद, ठीक है। तो अभी क्या मैंने ना ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। ब्रेक पॉइंट मतलब ऐसा कोई है जिसे नहीं पता ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? जी सर पता नहीं वो ब्रेक पॉइंट्स क्या है। ओके सो बेसिकली ऐसे समझ लो, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड डिबग करना है तो नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, लाइक हम कंसोल स्टेटमेंट्स लगा के चेक करते हैं कि किसी वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। बट ब्राउजर में हम ये काम बिना कंसोल लगाए कर सकते हैं, हमें सिंपली इंस्पेक्ट करना है अपने पेज को, सोर्सेस पैनल में जाना है और जो भी हमारी फाइल है जहां पे हमने कोड लिखा है उसको सेलेक्ट करना है, और जिस भी लाइन पे हम चाहते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए हमें सिंपली वहां पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को लाइन नंबर 4 में पॉज कर रखा है। अब यहाँ पे मैं अगर x पे लाइक ओवर करता हूँ तो मैं x की वैल्यू को चेक कर सकता हूँ कि इस x वेरिएबल के अंदर क्या है। तो सिंपली ब्रेक पॉइंट्स मतलब पॉजिंग द एग्जीक्यूशन इन स्पेसिफिक लाइन। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास कितने, एक ग्लोबल स्कोप है और एक लोकल स्कोप है, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्कोप ऑलवेज अवेलेबल रहता है जब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, और इस ग्लोबल स्कोप के अंदर आता है हमारा फंक्शन स्कोप। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। अब लोकल स्कोप कोई बताएगा लोकल स्कोप क्या होता है? फंक्शन का स्कोप जो फंक्शन स्टार्ट से एंड तक हम जो अंदर डिफाइन करते हैं। एक चीज पूछनी थी सर, लाइक जैसे आपने बताया था कुछ चीजें जावास्क्रिप्ट देता है और कुछ चीजें हमें ब्राउजर देता है, जैसे कंसोल लॉग हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है, तो ये जो स्कोप है और जो ये फाइल है ये ब्राउजर दे रहा है या जावास्क्रिप्ट दे रहा है? जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। ओके, और ब्राउजर से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं? हाँ, यस। ओके, ब्राउजर इज लाइक, हाँ ऐसे समझ लो डिबगिंग टूल ब्राउजर ने तुम्हें दे दिया। ओके, तो एक बार ना ये फंक्शन स्कोप और लोकल स्कोप हम कोड में देख लेते हैं क्योंकि यही चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। सो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो लोकल स्कोप है, लोकल स्कोप एक फंक्शन के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन टेस्ट है लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 4 तक, ये आपका है लोकल स्कोप, ठीक है। और ये फंक्शन स्कोप भी है, और क्या बोलते हैं ये जो शो फंक्शन है, इनर वाला शो फंक्शन, इसके अंदर जो चीजें हैं ये भी एक फंक्शन स्कोप है। बट यहाँ पे मैं इस वेरिएबल एक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये लोकल स्कोप के अंदर है लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 9 तक। सो एक लोकल स्कोप फंक्शन स्कोप की तरह ही होता है, सेम लाइक आप ऐसे समझ लो लोकल स्कोप इज इक्वल टू फंक्शन स्कोप, बट जो बाउंड्री होती है लोकल स्कोप की वो फंक्शन स्कोप से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा फंक्शन शो है इसका जो फंक्शन स्कोप है वो बस
लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 9 तक है, अगर मैं यहाँ पे कोई मतलब वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल टेम्प, तो इसको मैं आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकता लाइक लाइन नंबर 6 या यहाँ पर, बिकॉज ये एक फंक्शन स्कोप के अंदर है और इस शो फंक्शन का जो लोकल स्कोप है वो भी बस इस फंक्शन के अंदर है। क्वेश्चन सर, सर ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये लोकल स्कोप है ये हमारा क्लोजर में भी काम करता है, लाइक क्लोजर भी एक लोकल स्कोप है? क्लोजर भी एक लोकल स्कोप है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है बिल्कुल क्लोजर जैसा दिखता है। हाँ काइंड ऑफ, क्लोजर अलग कॉन्सेप्ट है भाई, उस पर भी मत जाओ। क्लोजर तो क्लोजर जो फंक्शन है ना वो इस पूरे स्कोप को अपने पास प्रिजर्व करके रख लेता है। अगेन मैं सब लोगों को भी दिखा देता हूँ, ये शो टेस्ट फंक्शन मैंने कॉल किया है और इसको मैंने किया है। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ओके ठीक है। सो अच्छा यहाँ पे मुझे रखना है, तो कंसोल लॉग BIR का यूज करके हम एक फंक्शन के इंटरनल्स को चेक कर सकते हैं कि एक फंक्शन के पास क्या क्या है। So, यहाँ पे मैंने फंक्शन शो को कंसोल किया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पास एक स्कोप प्रॉपर्टी है और इस स्कोप प्रॉपर्टी के अंदर जो सारा स्कोप होता है वो फंक्शन प्रिजर्व करके रखता है। तो जो क्लोजर का कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है, उसे स्कोपिंग से मिक्स मत करो, ठीक है। तो बेसिकली अब हम दोबारा अपने टॉपिक्स पे आते हैं। एक फंक्शन स्कोप लोकल स्कोप की तरह ही होता है, बट फंक्शन स्कोप की जो बाउंड्री है वो थोड़ी कम होती है। अब जो हमारा लास्ट स्कोप है वो है लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप के बारे में किसी को पता है? जो वेयर और लेट के लिए होता है, जो जिन वेरिएबल्स को हम वेयर और लेट से डिफाइन करते हैं। नहीं और कुछ नहीं, वो तुम्हारा ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। एक ब्लॉक स्कोप रह गया, पहले ब्लॉक स्कोप देख लेते हैं फिर हम लेक्सिकल पे जाते हैं। ताही मेरा ब्लॉक स्कोप है, लाइन नंबर 7, क्या ये ब्लॉक स्कोप है? नहीं सर। क्यों? वेयर से डिक्लेयर किया सर, वेयर जो है फंक्शनल स्कोप प्रोवाइड कराएगा। ये लो, क्या लाइन नंबर 7 ब्लॉक स्कोप है? हाँ ये ब्लॉक स्कोप कह सकते हैं इसको। सो गाइस कितने लोगों को लगता है कि ये ब्लॉक स्कोप है, बताओ, लाइक रिएक्शन दे दो, लाइक यस नो कुछ तो बताओ। ठीक है, सो बेसिकली गाइस ये ब्लॉक स्कोप नहीं है। जावास्क्रिप्ट में बस मेनली आपके दो ही स्कोप एग्जिस्ट करते हैं, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर लेट या कॉन्स्ट ना यूज करूं, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक स्कोप नहीं क्रिएट होगा। जावास्क्रिप्ट में आइडियली बस दो ही स्कोप हमेशा रहते हैं, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं टेस्ट, ये जो टेस्ट फंक्शन है इसी को मैं सिंपली लॉग कर लेता हूँ और चलते हैं वापस ब्राउजर में और सोर्सेस में चलते हैं और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करते हैं। तो मेरा जो कोड है, सॉरी मेरा एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 7 पे पॉज्ड है। अब बताओ मेरे पास कितने स्कोप बने हुए हैं, बताओ गाइस। दो स्कोप बने, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप तो है ही नहीं ना। सो यही डिफरेंस है। अब थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लाइक वेयर लेट और कॉन्स्ट में, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 10 और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे पॉज करके इसको रन करूं तो अब आप देखोगे मेरे पास लोकल स्कोप आ गया है। तो लेट कॉन्स्ट लोकल स्कोप क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में लोकल स्कोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता,
ये क्लियर है? ब्लॉक स्कोप आई थिंक यू आर सेइंग। हाँ सॉरी, ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप एक बार रिपीट करिए सेंटेंस। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ दो ही स्कोप बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। ब्लॉक लेवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है अंटिल एंड अनलेस वी यूज लेट और कॉन्स्ट। जैसे ही हम लेट और कॉन्स्ट यूज करते हैं, ब्लॉक स्कोप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इफ ब्लॉक के अंदर लेट वेरिएबल यूज किया है तो मुझे यहाँ ब्लॉक स्कोप देखने को मिल रहा है। अगर मैं लेट यहाँ से हटा दूं, अब अगर मैं प्रोग्राम को लाइन नंबर, इसे रिफ्रेश करते हैं, लाइन नंबर 7 पे मैं इसे पॉज करूं तो मेरे पास कोई ब्लॉक स्कोप नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट ब्लॉक स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लोकल और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? लोकल स्कोप फंक्शन स्कोप एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज लोकल स्कोप की बाउंड्री फंक्शन स्कोप से ज्यादा होती है। यहाँ पे मैं देखो, मैं दोबारा एग्जांपल से समझा देता हूँ। const x is equal to 10, function show और console.log x is y equal to 20 और scope 15। जो ये चीज है, ये मेरी लोकल स्कोप है। ठीक है, और जो मेरा फंक्शन स्कोप है वो भी मेरा यही है। फंक्शन स्कोप किसका? टेस्ट का। अभी हम बस टेस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन टेस्ट है, अभी इस फंक्शन टेस्ट का जो लोकल स्कोप है वो ये पूरी ग्रीन बाउंड्री है। इसे मैं लिख भी देता हूं, लोकल स्कोप ऑफ फंक्शन टेस्ट। और अब अगर मैं बनाऊं तुम्हारा फंक्शन स्कोप, तो फंक्शन स्कोप भी यही है। अगर तुम्हारे पास एक ही फंक्शन है तो तुम लोकल स्कोप और फंक्शन स्कोप में कोई डिफरेंस नहीं बता पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एक इनर फंक्शन क्रिएट किया है। अब जो मेरा शो फंक्शन बना हुआ है अंदर, उसका जो फंक्शन स्कोप है वो बस इतना है। ये फंक्शन स्कोप ऑफ शो। ठीक है, फंक्शन स्कोप और लोकल स्कोप एग्जैक्टली सेम समझ लो, लाइक कि वो सेम ही काम करते हैं। और जो अंदर वाले फंक्शन का जो लोकल स्कोप है वो भी यही होगा ना जो इसका फंक्शन स्कोप है? यस यस, जो अंदर शो फंक्शन है इसका जो लोकल स्कोप होगा वो बस इतना होगा। तो अभी चलते हैं हम लेक्सिकल स्कोप पे। लेक्सिकल स्कोप, हाँ कोई ऐड करेगा कुछ लेक्सिकल स्कोप पे कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है? ओके ठीक है, तो लेक्सिकल जो वर्ड है लेक्स, ये कंपाइलर थ्योरी से आया हुआ है। ठीक है, और लेक्सिकल का मतलब होता है इंग्लिश में फिक्स्ड, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो लेक्सिकल स्कोप का भी मतलब है फिक्स्ड स्कोप, ऐसा स्कोप जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो लेक्सिकल स्कोप कहलाता है। ठीक है, अब ये जो लेक्सिकल स्कोप होता है किसी भी वेरिएबल का, वो कंपाइल टाइम में ही सेट हो जाता है। कंपाइल टाइम में या फिर जब हम कोड लिख रहे होते हैं, देखो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, अब ये जो मेरा वेरिएबल एक्स है इसका स्कोप फिक्स हो चुका है कि ये इस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, एक ऐसा स्कोप
जो फिक्स हो चुका है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें किसी को डाउट लाइक कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है? सर ये लेक्सिकल होता है, एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। लेक्सिकल स्कोप एक ऐसा स्कोप जो कि फिक्स्ड है। अब ये फिक्स्ड कब हुआ? ऑथर टाइम पे, जब तुम कोड लिख रहे हो। यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन टेस्ट लिखा, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स। अब मैंने कंपाइल टाइम में ही एक्स का स्कोप फिक्स कर दिया कि ये इस टेस्ट फंक्शन के अंदर मुझे मिलेगा। सर एक क्वेश्चन था, अभी मैंने ऐसा रीड किया था आर्टिकल में कि अगर हम कोई वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लोजर बोल के एकदम ऊपर उसके प्रायोरिटी सेट हो जाएंगे ड्यूरिंग आवर कंपाइलेशन। तो अगर ये लेक्सिकल स्कोप बन गया है तो ये तो क्लोजर बन के ऊपर चले जाएगा, राइट? तो ये एक्सेस कैसे होगा फिर? मतलब एक्स है, एक्स अगर ऊपर गया एकदम एग्जीक्यूशन स्टैक के एकदम प्रायोरिटी फर्स्ट पे गया, एग्जीक्यूशन स्टैक के फंक्शन के अंदर ही रहेगा, कहीं भी जाएगा फंक्शन के अंदर ही रहेगा। अच्छा, वो टेस्ट वन जब हम ये करेंगे, कॉल करेंगे, इनवोक करेंगे, तब जाके वो एक्सपोज होगा वेरिएबल, ऐसा? हाँ, ओके। लेक्सिकल को भी थोड़ा और हम देख लेंगे, ये मैंने बहुत ही कंसाइज डेफिनेशन बताई है, ठीक है? एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं कि स्कोप लेक्सिकली डिफाइन होता है या लेक्सिकली स्कोप फाइंड होता है। सो अब ऐसे समझो, ये जो मेरा फंक्शन है शो, ठीक है, इस यहाँ पे जो ये वेरिएबल मैंने एक्स कंसोल कराया है, ये जो कोड मैंने लिखा है ये अभी रन नहीं कर रहा, ये कंपाइल टाइम है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में जो कोड एग्जीक्यूशन होता है वो दो फेजेस में होता है, कंपाइलेशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है? ऐसे समझ लो हम अभी कंपाइलेशन फेज में हैं। ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब मैं लाइन नंबर 14 में फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं शो फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ। जब लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगी, मेरा जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो जाएगा लाइन नंबर 8 पे, ठीक है? वहां पे मैं एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो कंपाइलर से पूछेगा मुझे एक्स लाके दो, क्योंकि ये मेरे स्कोप में तो है ही नहीं, ठीक है? तो जो कंपाइलर होगा वो एक्स को कैसे खोजेगा? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम्हें मार्केट से कोई पेन खरीद के लाना है पर्टिकुलर ब्रांड का, तो तुम्हें कोई शॉप पता होनी चाहिए, राइट? कि तुम स्टेशनरी की शॉप में जाओगे और उस पर्टिकुलर स्टेशनरी का नाम क्या है, मतलब लाइक शॉप का नाम क्या है। अगर तुम्हें कुछ भी खोजना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ खोजना है। उसी तरह कंपाइलर को भी पता होना चाहिए कि मुझे इस वेरिएबल एक्स को कहाँ खोजना है। अब जो कंपाइलर है वो पता कैसे करेगा? लेक्सिकली। लेक्सिकली का मतलब सिंपली जहां पे लिखा हुआ है। अब ये एक्स कहाँ पे लिखा हुआ है? अपने करंट जो भी कंपाइलर है वो जो करंट स्कोप है ना, जैसे शो फंक्शन है इसका जो ये करंट स्कोप है, तो कंपाइलर एक स्कोप ऊपर जाएगा इस शो फंक्शन के, एक ऊपर, एक लेवल ऊपर, फंक्शन टेस्ट, यहां पर उसे एक्स मिलेगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं लेक्सिकली फाइंड करना किसी भी वेरिएबल को। इसको ऐसे समझ लो, एक और एग्जांपल से बता देता हूं। देखो, लिफ्ट हम सभी ने यूज की है, राइट? हम जब भी लिफ्ट यूज करते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं और फिर हम ऊपर ऊपर बढ़ते रहते हैं। किसी चीज को लेक्सिकली फाइंड करने का मतलब है, सबसे पहला रूल नंबर वन, अगर हम किसी चीज को लेक्सिकली फाइंड कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मुझे उसे कहाँ फाइंड करना है, क्योंकि मैंने कोड लिखते टाइम ही उसका स्कोप फिक्स कर दिया है। जिस तरह से हम लिफ्ट यूज करते हैं, हमें पता है अगर मुझे फ्लोर 3 पे जाना है तो फ्लोर 3 कहाँ पे है, क्योंकि वो बिल्डिंग बनते टाइम ही फ्लोर फिक्स हो चुका है। उसी तरह अगर मुझे कोई चीज लेक्सिकली फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे पता है कहाँ जाना है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा करंट स्कोप से, जहां पे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल ग्राउंड जीरो। उसके बाद फिर मैं एक एक लेवल ऊपर बढ़ता जाऊंगा, पहले मैं 1 पे जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा।
इसी को बोलते हैं किसी चीज को लेक्सिकली फाइंड करना, स्टार्टिंग फ्रॉम करेंट स्कोप एंड गोइंग अपवर्ड। सो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, शो फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर लाइन नंबर 8 पे आएगा, उसे वेरिएबल एक्स मिलेगा। अब कंपाइलर एक्स को लेक्सिकली फाइंड करेगा, लेक्सिकली फाइंड करेगा मतलब करेंट स्कोप से एक लेवल ऊपर जाएगा और उसे वहां पे एक्स मिल जाएगा। अब अगर एक्स यहाँ नहीं होता, टेस्ट के बाहर होता, तो कंपाइलर पहले टेस्ट स्कोप में जाता और फिर ग्लोबल स्कोप में जाता। तो ये है भाई पूरा लाइक लेक्सिकल स्कोप। सो बेसिकली जहां पर भी कोड डिफाइन मतलब वेरिएबल डिफाइन है, वो उसके ओरिजिन को देखने के लिए जा रहा है, राइट? यस। तो उसको वो अप मूव करता रहेगा जब तक उसको उसकी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन नहीं मिलेगा, राइट? राइट राइट। लेकिन वो डाउन मूव नहीं कर सकता ना? ना, डाउन नहीं मूव कर सकता। ओके, अब कोई बताएगा डाउन क्यों नहीं मूव कर सकते? स्कोप में नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट सारी डिक्लेरेशन टॉप में मूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंसोल को यहाँ पे लिखता हूँ, तो जब ये कंपाइल होगा तो मतलब जो भी डिक्लेरेशन हो टॉप में आ जाती है, राइट? तो नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लाइक फंक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल? हाँ, यस यस, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, नॉट पूरे फाइल के अंदर। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है। सो देखो, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है ना, वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता जाता है। जितने ज्यादा फंक्शन होंगे उतने ही कॉन्टेक्स्ट होंगे। जावास्क्रिप्ट हर फंक्शन के लिए अलग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। कॉन्टेक्स्ट को ना तुम एक बॉक्स से समझ सकते हो, लाइक एक लिटरली बॉक्स, जो कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक टेस्ट फंक्शन है, एक शो फंक्शन है और सिंपली एक ग्लोबल स्कोप है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेंगे। सबसे पहला ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद टेस्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फिर शो का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट की एक खास बात होती है कि भाई जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बाहरी वर्ल्ड से मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से जो जो भी चीजें चाहिए होती है ना, वो सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर पुलिंग कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये जो शो फंक्शन है, ये इस वेरिएबल को अपने अंदर यूज कर रहा है। तो जब इसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, तो ये जो एक्स का स्कोप है वो ऑटोमेटिकली इस शो फंक्शन के अंदर पुलिंग हो जाएगा, ठीक है? इसी को कॉन्टेक्स्ट हम बोलते हैं। और ये मैंने दिखाया भी कि लाइक ये कैसे पुलिंग हो जाता है, एक और बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जब भी हम वही अपना कोड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेंगे और हर कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड स्कोप से जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं सब पुलिंग कर लेता है और वो सारी चीजें यहाँ स्कोप में अवेलेबल होती हैं। तो आप ऐसे समझ लो, मैं डायग्राम से भी बता देता हूँ। ग्लोबल, दिस इज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर फिर छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट बनते रहते हैं। और आप अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करोगे, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट बनेगा उस फंक्शन के अंदर बनेगा। जैसे यहाँ पे ये जो शो फंक्शन है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो टेस्ट फंक्शन के अंदर बनेगा। तो इसे यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मतलब नेस्टेड होता रहता है। अगर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करोगे, तो सिंपली कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट कॉल होता रहेगा, मतलब क्रिएट होता रहेगा। सो ये कॉन्टेक्स्ट ही ऐसे समझ लो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो क्लोजर है वो अचीव हो पाता है, क्योंकि हर फंक्शन एक अलग बॉक्स में जाके एग्जीक्यूट होता है और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म, वैसे ही उसका कॉन्टेक्स्ट भी मेमोरी से रिमूव हो जाता है। सो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होता जाता है,
जावास्क्रिप्ट सारे कॉन्टेक्स्ट को डिलीट करता जाता है और एट दी एंड अपने पास बस एक कॉन्टेक्स्ट बचता है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। पर एक ये सब सिंक्रोनस वे में होते हैं ना, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट। यहाँ पे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अगर देखिए, अगर हम कोड में गए ना, तो एक बार कोड ओपन करेंगे आप, देखिए यहाँ पर फंक्शन शो ने अगर कुछ कंसोल किया और ये कॉस्ट किया, तो उसके बाद ही हमारा कंसोल डीआईआर जो कि लाइन नंबर 12 पे है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? ऐसा कुछ होगा ना, मतलब फंक्शन होने के बाद ही नीचे का कंसोल प्रिंट होगा? नहीं, फंक्शन को बाद में कॉल किया। हाँ, यस यस, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब था कि एक कंटेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा कंटेक्स्ट चलेगा, इस टाइप से होता है क्या वो चेनिंग? एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। भाई ऐसे समझो, लाइक यार खुद एग्जीक्यूट करो, जैसे लाइन नंबर 19 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो जब लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा टेस्ट, टेस्ट नाम का, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता शो क्या है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा, ये बस एक वेरिएबल है, ऐसा समझ लो। सिंपली दिस इज अ जस्ट अ वेरिएबल, एक वैल्यू में वो स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद लाइन नंबर 9, अब लाइन नंबर 9 जब यहाँ पे आएगा तो सिंपली वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं क्रिएट होगा। जब लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, वो शो वाला फंक्शन, यस। और फिर लाइन नंबर 13 पे वो डिलीट भी हो जाएगा, until and unless कोई फंक्शन मेमोरी में कुछ होल्ड ना कर रहा हो। अच्छा, ठीक। तो फंक्शन कॉल्स डिफाइन करती हैं कॉन्टेक्स्ट को, नॉट फंक्शन डिक्लेरेशंस। जो फंक्शन होता है दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, लाइक वो कोई एग्जीक्यूशन एंटिटी नहीं होती है। ओके, यस, समझा। तो ठीक है, ग्लोबल स्कोप हो गया। अब हम देखते हैं डिफरेंट वेज टू कॉल फंक्शंस। So, सबसे पहला तरीका तो आपके सामने ही है, लाइन नंबर 8, सिंपली डायरेक्टली हम उस फंक्शन को इनवोक कर देते हैं यूजिंग मून ब्रैकेट्स। दिस इज, मतलब ये सबसे पहला तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। दूसरा तरीका, उसके लिए मुझे एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और ये है दूसरा तरीका, लाइक कि एक फंक्शन जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, उसको हम कॉल करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उस फंक्शन का नाम, जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। अब तीसरा तरीका देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, न्यू कीवर्ड, जिसे हम बोलते हैं लाइक कंस्ट्रक्टर कॉल, समझ लो। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम किसी फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। न्यू कीवर्ड हमें कुछ स्पेशल फीचर्स देता है। इस न्यू कीवर्ड के बेसिकली चार काम है इस न्यू कीवर्ड के। जब भी हम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करते हैं तो चार चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि न्यू कीवर्ड सिंपली एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। सेकेंड, वो इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को लिंक करता है एक अनदर ऑब्जेक्ट से, लिंक ऑब्जेक्ट। इस अनदर ऑब्जेक्ट पे हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। जो थर्ड काम वो करता है, जो भी फंक्शन टेस्ट है वो इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करता है और उस टेस्ट फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू होती है वो उसको इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में सेट कर देता है, लाइक कॉल द फंक्शन। और जो फोर्थ काम है वो सिंपली रिटर्न दी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो एक्सप्लिसिट रिटर्न। अगर हमने खुद से कुछ रिटर्न नहीं किया है तो जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है वो सिंपली रिटर्न हो जाता है।
अब देखते हैं ये पॉइंट नंबर टू क्या है, लिंक दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ऐसे समझ लो कि जैसे ही न्यू कीवर्ड ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है लाइक ऑब्जेक्ट डॉट कीज या जो भी फॉरिन लूप है, टू स्ट्रिंग, ये सब इस ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। तो वो सब कब आता है, जब पॉइंट नंबर टू एग्जीक्यूट होता है। इस स्टेप में क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से लिंक करता है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि न्यू कीवर्ड सिंपली इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को एक अनदर ऑब्जेक्ट से लिंक करता है और वो अनदर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, दैट्स इट। तो ये थे हमारे तीन तरीके, और जो चौथा तरीका है किसी फंक्शन को कॉल करने का, वो है यूजिंग कॉल बाइंड और अप्लाई। ये तीनों मतलब एक ही काम करते हैं सिंपली फंक्शन को कॉल करने का। सो इसीलिए सिंपली ये एक ही कैटेगरी में है। तो बेसिकली अपने पास ये चार तरीके हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए, और यही चार तरीके, इन्हीं चार तरीकों से डिसाइड होता है कि किसी फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये दिस कीवर्ड होता क्या है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि जब भी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझ लो कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है यही दिस है, ठीक है। जब भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर हमें हमेशा एक दिस कीवर्ड मिलेगा, और वो जो दिस कीवर्ड है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना है, दैट मींस कि मैं दिस कीवर्ड का यूज करूंगा और उस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर लूंगा। ये हम चेक भी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, सारा कोड हटा के मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल डॉट लॉग दिस करता हूँ। ये मेरी एक सिंगल फाइल है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें ब्राउजर में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिला, वो इसलिए बिकॉज जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है वहां पर जो दिस की वैल्यू होती है वो सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट होती है, इसी वजह से मुझे वहां पे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। ये दिस कीवर्ड क्लियर है, राइट? ये दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस सिंपली फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट करता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम हमारा फंक्शन किस कॉन्टेक्स्ट को कॉल, किस कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये रेफरेंसिंग की तरह हो गया ना एक तरीके से। यस यस, रेफरेंसिंग की तरह हो गया सर। इसका मतलब हम विंडोज के जितने भी प्रॉपर्टीज और फंक्शन होंगे वो दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यस, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या एक्सेस करूंगा, तो लाइक अलर्ट, विंडो अलर्ट और दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग। हेलो, लेट्स सी क्या होता है, देखो आ गया ना सर। हाँ, तो हम एक्सेस कर सकते हैं कुछ यूजिंग दिस, दिस इज जस्ट अ विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये अलग-अलग एनवायरनमेंट में ये दिस का अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल बैकएंड के लिए अलग होगा, ब्राउजर के लिए अलग, बैकएंड्स में जब हम नोड में, नोड में दिस इज ग्लोबल। अच्छा, और ये हम ब्राउजर में यूज कर रहे हैं इसलिए हमें ये विंडोज का एक्सेस दे रहा है। हां, अब एक और तरीका होता है। देखो, अपने पास तीन तरह के दिस होते हैं, एक दिस जो ब्राउजर में एग्जिस्ट करता है, जो पॉइंट करता है विंडो ऑब्जेक्ट को, एक दिस जो एग्जिस्ट करता है नोड में, जो पॉइंट करता है ग्लोबल दिस, जो पॉइंट करता है मतलब सर्वर की सारी चीजों को, ठीक है, जिनको जो नोड जेएस पे काम नहीं करते हैं। एक तीसरा दिस होता है जो ब्राउजर और नोड जेएस दोनों को, दोनों में कॉमन होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल दिस। यहाँ पे मैं करता हूँ ग्लोबल दिस। ये जो ग्लोबल दिस है ये हमें ब्राउजर में भी मिलता है और ये हमें नोड जेएस में भी मिलता है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो ये शायद वो सारी कॉमन चीजें हैं। तो ग्लोबल दिस दोनों जगह होता है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुमको दिस यूज करना है नोड जेएस में या ग्लोबल यूज करना है, तो सिंपली ग्लोबल दिस यूज कर लो। ठीक है, तो अब देखो दिस
का कॉन्सेप्ट इसीलिए हमें कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि हम फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, फंक्शन शो अब बताओ अगर मैं पूछूं दिस की क्या वैल्यू होगी तो क्या बोलोगे? फंक्शन टेस्ट की सारी चीजें, जो कि एकदम गलत है। यही हम गलती करते हैं कि दिस की वैल्यू को हम फंक्शन डिक्लेरेशन देख के कभी नहीं बता सकते कि दिस की क्या वैल्यू होगी। दिस की वैल्यू हम सर टेस्ट को जो दे रहे हैं उसके बेसिस पे होते हैं ना एज अ प्रॉप्ट। हां, दिस की वैल्यू को हम एक फंक्शन को हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि दिस की क्या वैल्यू होगी। अभी मैंने चार तरीके बताए, ठीक है, अभी हम उन चारों तरीकों से देखेंगे कि इस दिस की क्या वैल्यू होगी। शो, और यहाँ पर मैं टेस्ट को कॉल कर लेता हूँ। अंटिल एंड अनलेस तुम्हें कोई बताए नहीं, जैसे मैंने तुम्हें आधा क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है, ये आधा मैंने तुम्हें आधा क्वेश्चन ही दिखाया था कि दिस की वैल्यू बताओ, तुम्हें बोलना चाहिए था कि भाई तुम टेस्ट फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे तो टेस्ट फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा, तुम्हें बता नहीं सकता दिस की क्या वैल्यू होगी। अंटिल एंड अनलेस तुम्हें पता ना हो कि कोई फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, तुम दिस नहीं बता सकते। ठीक है, तो रूल नंबर वन, अब हम देखो, अब हम रूल्स देख रहे हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि दिस की क्या वैल्यू होगी। सो रूल नंबर वन, अगर कोई फंक्शन ग्लोबल स्कोप में कॉल हो रहा है, लाइक यहाँ पे मैंने टेस्ट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई रेफरेंस ही नहीं दिया है कि दिस का क्या वैल्यू हो, तो जावास्क्रिप्ट स्मार्ट इनफ है, अगर तुम जावास्क्रिप्ट को नहीं बताओगे कि किसी फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी तो जावास्क्रिप्ट सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। एंटिल एंड अनलेस यूज स्ट्रिक्ट मोड ऑन नाउ, ये भी देखते हैं। तो अभी मैंने सिंपली टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है और मैंने जावास्क्रिप्ट को नहीं बताया है कि दिस की क्या वैल्यू होगी, तो अभी जब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो तुम्हें दिस विंडो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, ये देखो विंडो ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है, अब यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसे अच्छे से नाम दे देते हैं पर्सन और एक नेम दे देते हैं एक्स। अब मैं चाहता हूं जब मैं ये पर्सन टेस्ट को कॉल करूं तो दिस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। ये करने का हमारे पास तरीका है वो सिंपली, या तो मैं कॉल बाइंड अप्लाई में से कोई भी चीज यूज कर लूं, मैं सिंपली कॉल ही यूज करता हूं, ठीक है, फॉर आर सेशन। अगर मतलब तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो सिंपली देख लेना कि ये तीनों कैसे काम करते हैं। इन तीनों का बस एक ही काम है, फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना, दैट्स इट। तो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, अब सिंटैक्स देख लेते हैं। जिस भी फंक्शन को मुझे कॉल करना है यूजिंग कॉल मेथड, फंक्शन का नाम डॉट कॉल और ब्रैकेट में जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जाता है वो जाता है कॉन्टेक्स्ट। अब मैं जावास्क्रिप्ट को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसके अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी, और वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो भाई दिस की जो वैल्यू होगी वो होगी ये पर्सन ऑब्जेक्ट। अच्छा सॉरी, मैंने नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया है। ये क्लियर है? एक बार ना वो यूज स्ट्रिक्ट ऑन करके भी देख लेते हैं, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट, और जहां पे मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूं तो मुझे अनडिफाइंड देखने को मिला, क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट जब हमने ऑन कर दिया तो अब जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को ये पता है कि भाई मैं चाहता हूं, मतलब जो डेवलपर है, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए दिस क्या होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो हमेशा अनडिफाइंड रहेगा क्योंकि तुमने यूज स्ट्रिक्ट ऑन कर दिया है। अगर इसे हटा दूंगा तो जावास्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ कि भाई वो दिस को हमेशा ग्लोबल ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिला। अब थर्ड रूल, कि
कैसे और दिस को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करता हूं, ठीक है, तो इस टेस्ट फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी, लाइक कोई गेस करेगा? ओके, सो दिस विल बिहेव एज अ न्यू कंस्ट्रक्शन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। नो नो, नॉट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अभी मैंने बताया था ना, न्यू कीवर्ड चार चीजें करता है। जो सबसे पहली चीज करता है वो कहता है ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आई थिंक जो कंसोल होगा उसमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट दिखेगा, और साथ में हाँ तुमने जो बोला कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर में भी टेस्ट का नाम भी अटैच हो। लेट्स सी, सी एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दिखा मुझे और वो जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, लाइक क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस टेस्ट फंक्शन से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हमने तीन चीजें, तीन तीन तरह से हमने दिस को मैनिपुलेट किया। फोर्थ वे था हमारा ऑब्जेक्ट वाला, लाइक इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पर्सन नेम एक्स, भी बताओ कि इस शो के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी। पर्सन ऑब्जेक्ट होगा, हाँ ऑब्जेक्ट पर्सन होगा, हाँ यस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हें दिस का कोई भी क्वेश्चन दिखे, तुम्हें मैं अगेन लाइक सारे रूल्स ना लिख देता हूँ, और फिर इन रूल्स का यूज करके अब हम इंटरनेट पे सारे क्वेश्चन सर्च करेंगे, या तुम लोगों को भी कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन जो दिखता है ना लिंक मेरे साथ शेयर करो, हम सिंपली चार रूल्स का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये चारों रूल्स कुछ इस तरह से हैं, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर में है, ठीक है। अगर तुम्हारा फंक्शन न्यू कीवर्ड से कॉल हुआ है तो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी सिंपली एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर तुमने जो भी सेट वेट किया होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। सेकंड, क्या वो फंक्शन इज द फंक्शन कॉल विथ कॉल बाइंड अप्लाई, यस व्हेन दिस अगर तुमने कॉल बाइंड और अप्लाई से कॉल किया है तो दिस जो भी तुमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है वो होगा। और अगर तुमने फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल किया है जैसे लाइक ओबीजे डॉट एफ एन, तो इस एफ एन के अंदर जो दिस होगा वो सिंपली ये ऑब्जेक्ट होगा। और नंबर फोर, लाइक अगर कुछ भी इन तीनों में से नहीं है, डायरेक्टली तुमने फंक्शन कॉल किया है, डायरेक्टली फंक्शन कॉल, then this will be window or undefined based on uses of use script, ठीक है। बस यही सिंपल चार रूल, और हम this का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोई लिंक वगैरह हो बताओ, नहीं तो हम नेट पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिले तुम सीधे उसका आंसर बता सकते हो, लाइक तुम्हें ज्यादा कुछ भी सोचना भी नहीं पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है,
और सिंपली दिस डॉट मैसेज को रिटर्न कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट डॉट गेट गेट मैसेज कॉल कर रहे हैं, बताओ क्या लॉग होगा? हेलो वर्ल्ड। हाँ यस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है इसमें, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एक बार चलो ये जो एरो फंक्शन है ना इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट हम सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकें, सो दैट मतलब हम मतलब टॉपिक्स भी सारे कवर हो जाए। तो ये चार रूल्स तो एप्लीकेबल है नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड पे, ठीक है, बट जहां पे बात आती है एरो फंक्शन की। सर एक क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट के अंदर अपन फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं वो कीज एंड वैल्यूज की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट अपन, ये शॉर्ट हैंड है, ऑप्शनल होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मुझे फंक्शन बनाना है शो, आइदर तुम ऐसे करो या तुम ऐसे करो, दोनों सेम है, दैट्स इट। Okay. ये शॉर्ट हैंड है। तो आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट शो भी सेम ही काम करेगा? हाँ 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 सेम ही है, दोनों सेम ही है भाई, ये बस शॉर्ट हैंड मतलब लिखने का तरीका अलग है, दोनों एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिक्लेरेशन एनोनिमस है, आई थॉट कि तुम इस शो फंक्शन की बात कर रहे हो, ये डिक्लेरेशन एनोनिमस है। तो कौन शो, ठीक है, दिस जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसके अंदर हम सिंपली ये चार रूल लगा के दिस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट जो एरो फंक्शन होते हैं एरो फंक्शन के अंदर दिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, दिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे दिस को कंट्रोल करता हूं, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताओ? अनडिफाइंड नो, यहाँ पे हमें विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब विंडो ऑब्जेक्ट हमें क्यों देखने को मिला? क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होती है। अब लेक्सिकली मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो फिक्स्ड है इसे बोलते हैं लेक्सिकल। लेक्सिकली फाइंड आउट करने का मतलब है अपने करंट स्कोप से एक लेवल ऊपर जाना। जब लाइन नंबर 26 पे शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट होगी, कंपाइलर जावास्क्रिप्ट इंजन से बोलेगा भाई ये दिस क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, बताओ क्या है दिस। सो कंपाइलर लेक्सिकली दिस को फाइंड करेगा, कंपाइलर करंट स्कोप से, जो इस फंक्शन का स्कोप है ये, इस स्कोप से एक लेवल ऊपर जाएगा, और वो एक लेवल स्कोप क्या है, विंडो स्कोप। इसीलिए हमें दिस देखने को मिला। सो एरो फंक्शन के अंदर सिंपली एक रूल है, जो दिस की वैल्यू है वो लेक्सिकली डिफाइन होती है। इसे एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। कौन सर एक क्वेश्चन है, अगर आप द लास्ट जो एग्जांपल दिखाया है ना उसमें भी यूज स्ट्रिक्ट यूज करेगा तो भी फिर भी वही दिखाई देगा? ना, एरो फंक्शन में यूज स्ट्रिक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज स्ट्रिक्ट सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस के लिए। मैंने बोला ना यार, देखो नॉर्मल फंक्शन में तुम्हें अनडिफाइंड और विंडो ऑब्जेक्ट मिलने के रीजन थे, रीजन ये था कि नॉर्मल फंक्शन में जावास्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसको बताओगे कि तुम दिस की क्या वैल्यू चाहते हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो विंडो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बट एरो फंक्शन के केस में जावास्क्रिप्ट को पता है कि उसको दिस को लेक्सिकली फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट कर देता हूँ और अभी से रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा। वो इसलिए कि भाई जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन का जो दिस है वो मुझे लेक्सिकली फाइंड करना है। बट नॉर्मल फंक्शन में वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है एक डेवलपर से कि डेवलपर बताएगा। ऐसे समझ लो अगर मैं जावास्क्रिप्ट का क्रिएटर होता, मुझे दिस वैल्यू असाइन करनी होती तो मैंने कुछ इस तरह से कोड लिखा होता। कॉन्स्ट
वैल्यू, मतलब इस तरह से कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन बट हाँ ऐसे ही लिखा हुआ होगा, इज स्ट्रिक्ट मोड ऑन, इसके बाद इज दिस डिफाइंड बाई यूजर, अगर है तो भाई रिटर्न दिस कर दो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू विंडो इफ एंड एंड यूजर ने इसको नहीं डिफाइन किया, मैंने नॉट लगा दिया, मतलब यूजर ने नहीं डिफाइन किया, तो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो समझ लो सिंपली इस तरह से दिस की वैल्यू जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करता होगा, बाय डिफॉल्ट उसने विंडो ऑब्जेक्ट डाल दिया, अगर तुमने बताया है कॉल न्यू कीवर्ड या ऑब्जेक्ट का यूज करके कि दिस ये होगा तो दिस वो होगा, अगर तुमने नहीं बताया है स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो वैल्यू ऑफ दिस इज अनडिफाइंड, दैट्स इट, ठीक है। और एरो फंक्शन के केस में लेक्सिकली फाइंड आउट होती है, वो जावास्क्रिप्ट को पता है। बताओ यहाँ पे क्या लॉग होगा, लैंड कर देता हूँ मैं, एक्सपी होगा यहाँ पे होगा, हाँ बताओ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, एक्स एक्स ही होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई और करेगा, और कोई भाई और कोई कुछ बोलेगा, गाइस बताओ भाई, एक बार कोड दिखा ना, कोड नहीं दिख रहा, ये लो एक्स एक्स, हाँ एक्स क्यों होगा, मुझे रीजन बताओगे, मे बी आई थिंक अनकट रेफरेंस एरर, ठीक है, नहीं सबसे ठीक है, हमारे पास दो आंसर आए अभी, ठीक है, एक आंसर आया कि मेरे पास होगा एक्स, ठीक है, सेकंड आंसर आया कि रेफरेंस एरर, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को ही रिफर करेगा इसीलिए एक्स ही मिलेगा, नहीं 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 मैं तो एक्स बता दिया ना, तो पॉइंट नंबर वन है, और किसी को कुछ लगता है कि कोई डिफरेंट आउटपुट आ सकता है, अनडिफाइंड अगर ग्लोबल स्कोप में लैंड नहीं है तो, नहीं यार अभी बस आंसर बताओ, तुमने अनडिफाइंड बोला राइट, अनडिफाइंड आई थिंक एज अ ऑब्जेक्ट आएगा एक्स लाइक ब्रैकेट में लैंड एंड देन एच, ठीक है, तो अब सबसे पहला वाला चलो डिस्कस कर लेते हैं, जिसको लगा था कि x होगा वो मुझे बताएगा x क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, यहाँ पे एरो फंक्शन है, यहाँ पे एरो फंक्शन है, ये जो है ऑब्जेक्ट की एक मेथड है और मेथड में से अपने 30 कीवर्ड को कॉल कर रहे हैं तो वो x को ही रिफर करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, फंक्शन तो विंडो को है और विंडो में लैंग नाम का कोई मेथड नहीं होगा, रुक जाओ अभी, हाँ। सबसे पहले जो बाकी लोग हैं उनका डाउट क्लियर कर देते हैं, ये हमने एरो फंक्शन यूज किया है, ठीक है, एरो फंक्शन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो फंक्शन, हाँ उसमें 30 कीवर्ड का कोई होता ही नहीं है, कैलकुलेटेड लेक्सिकली, ठीक है, लेक्सिकली का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्कोप एंड गो अपवर्ड्स अंटिल यू फाइंड दिस, ठीक है, तो अभी अब मुझे बताओ, ये मैं हटा देता हूँ, मेरे पास सिंपली एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एरो फंक्शन है, ठीक है, ये एरो फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये जो चार रूल्स हैं ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे बस एक ही रूल एप्लीकेबल है वो है ये, ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर कोई दिस नहीं होता, ठीक है, जो दिस की वैल्यू है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होती है, लेक्सिकली का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम
current scope and move upwards until you find the beast. ठीक है, और बीस नहीं लाइक एंटिल यू फाइंड दी डिजायर्ड वैल्यू. ठीक है, लेक्सिकली वर्ड है ना, दिस स्पेसिफिक हो जाएगा डिजायर्ड वैल्यू इफ वैल्यू इज नॉट फाइंड फाउंड रिटर्न अनडिफाइंड. ठीक है, सिंपली इन दो रूल्स का यूज करके अब मुझे बताओ कंसोल में क्या लॉग होगा. दैट्स इट, एक्स ही होगा ना, क्योंकि वो अपवर्ड पे जाएगा और उसको लेन मिल जाएगा, तो वहां से वो बताओ भाई, बस आउटपुट बताओ, दैट्स इट. एक्सप्रेशन अभी मत दो, मैं अनडिफाइंड को चूज करूं. एक एक्स वाला कौन है भाई, वो एक एक्स ही बोल रहा था ना. हाँ, एक्स एक्स में बोल रहा. हाँ ठीक है, और कोई एरर? आई थिंक इज अ ऑब्जेक्ट X, और कुछ? ठीक है, अब हम सबसे पहले फोर्ट डिस्कस करते हैं. ठीक है, फोर्ट भाई ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट क्यों होगा? लाइक ऑब्जेक्ट और शो को, क्योंकि दिस डॉट लैंग है तो वो रिटर्न एज अ ऑब्जेक्ट ही करता है. भाई तुम ये चार लाइनें ना पढ़ो, तब तक मैं वापस आता हूँ तुम पे. ये थर्ड वाला बताओ, एरर क्यों आएगा? तो ये उसके ऊपर के स्कोप में जाएगा तो उसको डिफाइन नहीं मिलेगा, तो कैसे एरर शो करेगा? नहीं तो तुम जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल गए हो. जावास्क्रिप्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई की एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं होती है तो जावास्क्रिप्ट हमें अनडिफाइन देता है, ताकि वो एरर थ्रो करता है. ठीक है, एरर तब आती है जब मैं अनडिफाइन के अंदर कुछ और सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी. यस, क्लियर हो ना भाई? ये अनडिफाइंड, ये जिसने भी एरर बोला ना, वो इस चीज को प्रैक्टिस कर लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ सर्च कर रहे हो नहीं है तो अनडिफाइंड मिलेगा, एरर नहीं आएगी. तो ये ऑप्शन भी हमारा रिमूव हो गया. एक्स किसने बोला था? मैंने बोला था सर, जैसे कि आपने ऊपर लिखा है ना, लेक्सिकली एनवायरनमेंट स्टार्ट फ्रॉम साइंस स्कोप एंड मूव अपवर्ड अंटिल यू फाइंड द ये डिजायरेबल वैल्यू, तो हमें मिल जाएगी ना, अगर वो शो से अप जाएगा तो लेंग मिल जाएगा एक्स, तो वो वहां प्रिंट कर देगा ना. हां बिल्कुल सही. अभी इसके वापस आते हैं. नंबर 1 किसने बताया था? सर मैंने बताया था. हां बताओ भाई, अनडिफाइंड क्यों आएगा? सर मैंने ये हमारा एरो फंक्शन है ना, वो दिस को कंसीडर ही नहीं करता, और दिस कंसीडर नहीं कर रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर की हम लैंग नाम का जो प्रॉपर्टी है, अदर इट माइट बी वेरिएबल और अ फंक्शन, उसे हम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो अनडिफाइन ही थ्रो करेगा, क्योंकि लैंग नाम लैंग है ना. यस सर है, लेकिन जैसे कि लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकली अगर इसे कर रहा है ये शो बाहर, तो दिस के अंदर लैंग प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है वो. तो दिस यहाँ पे क्या है? दिस ये ऑब्जेक्ट है या विंडो ऑब्जेक्ट है, ये बताओ मुझे. ये कंसीडर फंक्शन तो कंसीडर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट ही. हाँ राइट, तो भाई ये यहाँ पे कोई स्किप नहीं हो रहा, ये कर्ली ब्रेस है, ये सिंपली ऑब्जेक्ट है. सर जी मेरे को एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बनाते हैं जो अभी हमने शो नाम की बनाई, तो उसमें जो दिस कीवर्ड होता है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को ही रिफर करता है, राइट? भाई वो तुम ये चार रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लो. मैं क्या बोल रहा हूँ बस, कि एरो फंक्शन में ये रूल लगता है, जो तुम मुझे बोल रहे हो वो ये रूल्स हैं. ठीक है, अगर तुमने ये फंक्शन ऐसे बनाया होता इस तरह से, ठीक है, तब जो तुम बोल रहे हो वो एप्लीकेबल होता. अभी मैंने ये फंक्शन नहीं क्रिएट किया है, अभी मैंने एरो फंक्शन बनाया है, और एरो फंक्शन में सिर्फ एक ही रूल लगता है, और वो ये रूल है. ठीक है, सो आप बोल रहे कि always arrow function में this will be pointed to always, कहीं पे भी तुम arrow function दिखे बस यही रूल लगेगा. नहीं तो always this will be referred to window, I mean window object only. No, read this line bro.
डिस्क की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड आउट होती है. लेक्सिकली का मतलब है एक स्कोप से ऊपर आओ मूव करना, और ऊपर जब तुम जाओगे तो तुम्हें विंडो मिलेगा, इसलिए तुम्हें विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है. अभी एक दो एग्जांपल से और हम समझ लेंगे. सो इस क्वेश्चन में जो दिस की वैल्यू है वो होगी तुम्हारी अनडिफाइंड, बिकॉज ये एक तो मैंने यहाँ एरो फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करूं. इसके अंदर जो दिस का स्कोप है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होगा, और ये जो शो फंक्शन है इसका जो पेरेंट है वो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो बस एक कर्ली ब्रेस लगा हुआ है, ये बस एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है. मैंने क्या बताया था जब हम स्कोप पढ़ रहे थे, जावास्क्रिप्ट में बस दो ही स्कोप एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप. ठीक है, कोई ब्लॉक कोई लोकल कुछ नहीं होता. यहाँ पे सिंपली जो इस शो फंक्शन का पेरेंट है वो है तुम्हारा ग्लोबल स्कोप जो कि है विंडो. ठीक है, और विंडो ऑब्जेक्ट में एक्स लैंग नाम का कुछ नहीं होगा तो अनडिफाइंड दिखेगा. इसे चेक भी कर लेते हैं, अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है. अगर मैं लैंग हटा के बट दिस लॉक करूं तो मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा. ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर हमेशा दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होती है, लेक्सिकली फाइंड आउट होती है. देखो अभी ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करता हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो. फंक्शन शो कंसोल डॉट लॉग दिस. ये अच्छा यहाँ शो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट दिस एरो चलो बताओ दिस की क्या वैल्यू होगी लाइन नंबर 40 पे. सिंपल फंक्शन. हाँ शो फंक्शन. और शो फंक ठीक है, वेरी गुड. शो फंक्शन ये आ गया पहला आंसर. ऑब्जेक्ट ओबीजे. हाँ और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते. तो बेसिकली यहाँ पे जो लाइन नंबर 42 में दिस इन एरो विल बी योर दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे शो फंक्शन नहीं होगा. शो फंक्शन कैसे हो सकता है? लाइक जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर लाइन नंबर 42 पे जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन से पूछेगा कि भाई दिस बताओ ये दिस क्या है. अब ये एक एरो फंक्शन है, कंपाइलर या जेएस इंजन को पता है कि मुझे लेक्सिकली फाइंड आउट करना है. अब एक लेवल अप जाऊंगा मैं, आ गया इस शो फंक्शन के अंदर. अब इस शो फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू है ये डिफाइन होगा. मैं शो फंक्शन को कैसे कॉल कर रहा हूँ? शो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड से. यानी दिस की वैल्यू शो फंक्शन के अंदर है ऑब्जेक्ट, और फिर सिंपली 42 में भी ऑब्जेक्ट होगी. ठीक है, ये देखो सेम मुझे ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया. तो एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो लेक्सिकली फाइंड होती है, इसलिए कभी कभी विंडो ऑब्जेक्ट आ जाती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है जहां पे दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट होती है. I think Rahul, then we need to understand what is function then. Sorry, क्यों? What is? Because arrow function में this define नहीं होता है. तो अगर हम जैसे function एक में normal function create करता हूँ और उसके अंदर अगर मैं कोई function create करता हूँ तो वो उसके मतलब child function के अंदर मैंने this declare किया है, which is arrow function, तो वो parent function को की value को notify करता है. Yes. Right? Yes. अगर ये लेक्सिकली वर्ड थोड़ा टफ लग रहा है ना तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और इजी वर्ड है पेरेंट. कि अगर तुम्हें कोई कभी भी एरो फंक्शन का दिस फाइंड करना हो तो देख लो उसका पेरेंट क्या है, जो भी पेरेंट होगा वही उसका स्कोप होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे एरो फंक्शन है, इसका जो पेरेंट है वो है ये शो फंक्शन. तो दिस का जो स्कोप होगा वो होगा इस शो का, जो भी शो की दिस की वैल्यू होगी.
और अगर हम शो के अंदर दिस डिफाइन लाइक हाँ नहीं करोगे तो नहीं होगा अनडिफाइंड, बोला ना देखो कहाँ गया वो रूल मैंने हटा दी, ये पढ़ो ना स्टार्ट फ्रॉम करेंट, लेक्सिकली क्या मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्कोप एंड मूव अपवर्ड्स अंटिल यू फाइंड द डिजायर्ड वैल्यू, जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है वो ये रहा, इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड रिटर्न अनडिफाइंड। देखो दिस की वैल्यू अगर तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन है, दिस की वैल्यू डिफाइन होती है कॉल साइट क्या है, तुम फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो रेदर देन तुमने फंक्शन को कैसे लिखा है। अगर तुम क्या बोलते हैं नेस्ट कर दो फंक्शन को, जैसे फंक्शन शो कितनी भी नेस्टिंग वेस्टिंग कर दो, अगर तुम इस इनर फंक्शन को मान लो कोई तुमसे बोलता है कि इस इनर फंक्शन के अंदर मुझे दिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो तुम्हें सिंपली ये चेक करना है कि ये शो फंक्शन तुम कैसे कॉल कर रहे हो, लाइक किस तरह से तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि दिस की क्या वैल्यू होगी रेदर देन कि तुमने कोड कैसे लिखा है। सो देखो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर लेट्स सी कि और क्या डाउट्स आते हैं। अपने माइंड में बस ये 5 रूल्स रखो, अगर तुम्हारा फंक्शन फंक्शन कीवर्ड से बना है तो ये 4 चीजें आएंगी कि न्यू कीवर्ड से कॉल किया है, कॉल बाइंड अप्लाई से किया है, या तुमने ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है। अगर तुमने एरो फंक्शन पे मतलब लाइक दिस फाइंड करना है तो सिंपली एक रूल दिस की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड हो कैलकुलेट होगी। तो एक दो क्वेश्चन शायद किसी ने भेजे हैं, चलो उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है सबसे पहले अभिलाष ने भेजा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है एक ग्रीट फंक्शन है एलिस, ठीक है व्हाट विल बी लॉग पर्सन डॉट ग्रीट, अच्छा ठीक है ग्रीट 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 पर्सन डॉट ग्रीट, ठीक है। तो सिंपली एक भाई फंक्शन है यहाँ पे ग्रीट, जिसके अंदर हमने दिस डॉट नेम को कंसोल किया है, और इस ग्रीट फंक्शन को हमने 2 जगह यूज किया है, पर्सन ऑब्जेक्ट में और अनदर अनदर पर्सन में, और पर्सन डॉट ग्रीट और अनदर पर्सन डॉट ग्रीट। बताओ क्या वैल्यू लॉग होगी। हेलो एलिसन, हेलो बॉब, और कोई भाई? बहुत सिंपल ये है, लाइक इसको ऐसे कर लो ना, लो यही तो हो रहा है। एक मिनट और अच्छे से लिख देता हूँ। ये है कोड, दिस की क्या वैल्यू होगी बताओ। मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3, इफ द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट देन दिस विल बी ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, तो दिस सिंपली हमारा ऑब्जेक्ट होगा लाइक ठीक है। तो एलिस और बॉब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हेलो एलिस, हेलो बॉब। एक और क्वेश्चन किसी ने भेजा है, चलो अच्छा पूरा है ये भी, ठीक है इसको देख लेते हैं। पर्सन वन, ओके पर्सन वन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक नेम की है, और फिर एक फंक्शन रैपर है जिसके अंदर ठीक है एक हमने एरो फंक्शन शो बनाया है और दिस लॉक किया है, शो को हमने कॉल किया है रैपर डॉट कॉल पर्सन वन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे चलो पहले मैं मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं वॉक थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। इस कोड को ऊपर ले चलते हैं जहाँ पे मुझे मेरे चारों रूल्स पांचों रूल्स सॉरी मुझे दिखे साफ साफ। आई होप सबको कोड मतलब रीडेबल है, राइट कोड दिख रहा है ना सबको? यस सर, ठीक है। तो देखो जब भी कोई
पूछे दिस, हमें सिंपली देखना है कि फंक्शन अब यहाँ पे मिक्स है, ठीक है, लाइक नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड भी है और एरो फंक्शन भी है. तो निखिल का क्वेश्चन है कि भाई लाइन नंबर 30 पे दिस क्या होगा, ठीक है. तो हमें देखना है कि फंक्शन, सबसे पहली चीज चेक करनी है कि फंक्शन एरो फंक्शन है कि नॉर्मल फंक्शन है. यहाँ पे हमें पता चला कि अच्छा ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है. अब यहाँ पे जो दिस की वैल्यू है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होगी. लेक्सिकली का क्या मतलब है, मैं अपने करंट स्कोप से एक स्कोप ऊपर देखूंगा जो है मेरा रैपर फंक्शन का स्कोप. अब मुझे पता चल गया कि 31 पे जो दिस है वो है सेम एज दिस ऑफ रैपर फंक्शन, ठीक है. अब मुझे पता करना है कि इस रैपर फंक्शन के अंदर दिस क्या है. अब अगेन सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि फंक्शन एरो फंक्शन है कि नॉर्मल फंक्शन है. नॉर्मल फंक्शन है. अब मेरे ये चार रूल लगेंगे. तो अब मैं चेक करूंगा कि ये रैपर फंक्शन कॉल कैसे हुआ है. तो रैपर फंक्शन को मैंने कॉल किया है यूजिंग कॉल मेथड. मेरा रूल नंबर 2 लगेगा कि अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल बाइंड और अप्लाई से कॉल करता हूं तो जो दिस है वो हमेशा पास्ट ऑब्जेक्ट होगा. यहां पे पास्ट मैंने क्या किया है, पर्सन वन. सो रैपर फंक्शन के अंदर जो दिस है वो है हमारा पर्सन वन. और इस शो फंक्शन के अंदर हमारा दिस क्या है, सेम एज दिस ऑफ रैपर फंक्शन. और रैपर फंक्शन के अंदर दिस है पर्सन वन. तो सिंपली हमें पर्सन वन देखने को मिलेगा. ठीक है, एक दो और टफेस्ट क्वेश्चन लिखाते हैं भाई. चलो ये देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज लॉग्ड, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं. ठीक है, तो सिंपली कॉल बैक फंक्शन है एक, और मुझे बताना है कि ये लेंथ क्या होगी. तो अब सिंपली मुझे चेक करना है कि ये क्या नॉर्मल फंक्शन है या एरो फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन है. अब मुझे देखना है ये कॉल बैक फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ. ठीक है, ये बात ध्यान देना. लाइन नंबर 36 पे मुझे और कुछ भी नहीं देखना, मुझे पूरे कोड से कोई मतलब नहीं है. अगर मुझे दिस फाइंड करना है, मुझे सिंपली चेक करना है कि फंक्शन एरो फंक्शन है या नॉर्मल फंक्शन है. अगर नॉर्मल फंक्शन है तो वो कॉल कैसे हो रहा है, दैट्स इट. मुझे फालतू बाकी कोड से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए. तो यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन को पास कर रहा हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, और मैं कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, लाइक डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ. तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 4. तो जब रूल नंबर 4 लगेगा तो यहाँ पे जो दिस है वो होगा मेरा विंडो ऑब्जेक्ट. और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो भी कीवर्ड हम वेयर से बनाते हैं वो डायरेक्टली जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो लेंथ है वो होगा 4. लेट्स रन दिस 4. और अगर मैं यहाँ पे ये लेंथ हटा के 4 यहाँ पे करता हूँ तो मुझे सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं. गाइज अगर तुम्हें, तुम नेट पे ना कुछ भी सर्च कर सकते हो, राइट, मींस लाइक कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, जहां पे तुम्हें लग रहा है कि ये रूल्स फिट नहीं हो रहे हैं, तो यू कैन शेयर योर क्वेश्चन और डाउट कुछ भी. सो सेम यहाँ पे भी वही है, कॉल बैक फंक्शन है, इसको मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ. और ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल करने का तरीका चेंज हो गया है. ये जो सबसे पहली चीज, हर फंक्शन के अंदर एक स्पेशल कीवर्ड होता है आर्ग्यूमेंट्स, जो इस आर्ग्यूमेंट्स को कंसोल कर लेते हैं सबसे पहले. इस आर्ग्यूमेंट्स के पास जो भी हम फंक्शन में चीजें भेजते हैं वो एज एन एरे के फॉर्म में रहती है. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स के जीरो इंडेक्स पे मेरा कॉल बैक फंक्शन है, इसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ और अभी रन करते हैं. तो ये देखो, आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है जिसके जीरो इंडेक्स पे मेरा फंक्शन है. तो अब ऐसे समझ लो, जीरो इंडेक्स पे फंक्शन है, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं. यहां पे कौन सा रूल लगेगा, यहां पे रूल लगेगा रूल नंबर 3. इफ द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट, एक एरे भी तो एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो यहां पे जो दिस की वैल्यू है वो है ये आर्ग्यूमेंट्स एरे. और जब ये लॉग होगा तो सिंपली लाइक 3 है आर्ग्यूमेंट्स अपने पास, तो मेरे ख्याल से 3 देखने को मिलना चाहिए. यस,
3 और दिस की जो वैल्यू है वो हमारा आर्ग्यूमेंट्स एरे है। और कुछ क्वेश्चन देख लें। तो चैट में एक डाला। अच्छा तो दो फंक्शन कॉल, सबसे पहले तो दिस कहाँ लिखा हुआ है, एक तो गेट नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है ठीक है, बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, तो इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा बताओ? ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल किया है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 42 ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। हाँ राइट। व्हाट अबाउट दैट नेस्टेड? हाँ हाँ अभी चलते हैं ना भाई, रुक जाओ पहले, एक तो करने दो ठीक है। अब आता है हमारा गेट नेस्टेड वैल्यू, तो ये कैसे कॉल हुआ है, तो नेस्टेड पे कॉल हुआ है राइट। तो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू होगी वो सिंपली 24 होगी। ये गेट नेस्टेड वैल्यू फंक्शन कैसे कॉल हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, नेस्टेड, नेस्टेड यार इसको चेंज कर देते हैं, पर्सन राइट, पर्सन ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है। गेट नेस्टेड वैल्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है, फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर दिस की क्या वैल्यू है, ये 24, इसे रन भी कर लेते हैं ठीक है, 42 और 24। अब चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, बताओ क्या वैल्यू लॉग होगी। Yes. Yes. और कोई ऑप्शन? मैं बोलता हूँ यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो गाइस देखो, हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि एरो फंक्शन है या नॉर्मल फंक्शन है ठीक है, हमको पता चल गया नॉर्मल फंक्शन है। दूसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा फंक्शन कैसे कॉल हुआ है, कैसे कॉल हुआ है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ, लाइन नंबर 34 इज सेम एज लाइक दिस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो फंक्शन भेज रहा हूँ, फंक्शन तो सेट टाइम आउट कॉल करेगा राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है या लाइक बताओ मींस योर थॉट्स ऑन इट? कंफ्यूजन है सर थोड़ा। क्या कंफ्यूजन है भाई? यहाँ पे मैं फंक्शन को भेज रहा हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग वैल्यू, ऐसे समझो, ऑन कंसोल डॉट लॉग जीएस नहीं आएगा ना बॉस, अभी देखते हैं। पर्सन डॉट लैंग और पर्सन डॉट शो लैंग,
जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं दे आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, दे आर जस्ट अ नॉर्मल वैल्यू लाइक नंबर इंटीजर, दैट्स इट। यहाँ पे अगर तुम कंसोल चेक करोगे तो तुम्हें सिंपली फंक्शन का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैं ये जो सो फंक्शन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू को भेज रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस शो लेंथ भाई इस इन दो लाइन में कोई डिफरेंस तुम बता पा रहे हो मुझे, ये बताओ सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है? पर्सन शो लेंथ इज अ मतलब वैल्यू एंड लाइन नंबर 33 वी आर कॉलिंग एक्चुअली, राइट? तो क्या मैं लाइन नंबर 37 में शो लेंथ फंक्शन को कॉल कर रहा हूं? एंड इन 32 वी जस्ट डिफाइन दैट, सॉरी 37 नहीं, कॉल नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, राइट? एज एन आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, सेट टाइम आउट फंक्शन यूज किया है कि नहीं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, लाइक ये सेट टाइम आउट फंक्शन एक फंक्शन आर्गुमेंट लेता है, राइट? इसी तरह से काम करता है ना सेट टाइम आउट? यस यस सर। तो यहाँ पे तो मेरी बस जो शो लैंग के अंदर है ये फंक्शन, मैंने वो सेट टाइम आउट को दे दिया कि लो भाई इसको एग्जीक्यूट कर दो एक सेकेंड बाद। वो डिफाइन करेगा इसका स्कोप क्या होगा। यहाँ पे व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हाउ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाउ हाउ कैसे, ठीक है? तो सेट टाइम आउट, जो भी हम सेट टाइम आउट का इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक दिस फंक्शन सेट टाइम आउट, यहाँ पे कॉल बैक आता है, यहाँ पे टाइम होता है, और इफ टाइम अगर टाइम आ गया है तो सिंपली कॉल बैक को कॉल कर लो, सिंपली डायरेक्ट कॉल, रूल नंबर 4। अगर तुम किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करोगे तो दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट होगी। मैं जो भी फंक्शन हम कॉल बैक में पास करते हैं सेट टाइम आउट को डायरेक्टली इनवोक हो जाते हैं, दैट्स इट, इस तरह से, ठीक है? तो अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। पर्सन डॉट शो लेंथ और चलते हैं हम यहाँ पे दिस कर देता हूँ अपने कंसोल में, तो हमें यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया, ठीक है? अब कैसे मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ? तो मैं फिक्स कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक मेजोरिटी ऑफ अस हमने कॉल बाइंड और अप्लाई यूज नहीं किया है। तो एक बार बाइंड और कॉल अप्लाई ये सब पढ़ लेना, सिंपली फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं, दैट्स इट। जो कॉल और अप्लाई है दे आर सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस इज कॉल में हम कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट्स भेजते हैं और अप्लाई में एक एरे भेजते हैं, और ये जो बाइंड मेथड है, बाइंड मेथड, ये फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट चेंज करने के बाद हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर अब ये जो प्रॉब्लम, इसको मैं बाइंड से सॉल्व कर सकता हूँ, बाइंड हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है, कौन सा बाइंड फंक्शन इज इक्वल टू पर्सन डॉट शो लेंथ डॉट बाइंड, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दिस की वैल्यू हो वो हो पर्सन, ठीक है? अब ये जो बाइंड फंक्शन है ये एक फंक्शन है, इसे कंसोल भी करके चेक कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ तो मुझे सही आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है? जेएस अनडिफाइंड, और जो भी ये बाइंड मुझे मिला ये सिंपली एक फंक्शन है, दैट्स इट। तो और कोई क्वेश्चन है किसी के पास, और कोई टफ क्वेश्चन लाओ भाई। चलो चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, लेट्स सी गाइस, जो रूल्स मैंने बताए हैं उसमें अगर कोई डाउट वगैरह हो ना तो
पूछ लो, बिकॉज सिंपली वही पांच रूल ही तुम्हें काम आएंगे कभी भी दिस को फाइंड आउट करने में, ठीक है? लाइक तो कुछ भी अगर डाउट हो तो यू कैन सिंपली आस्क मी, बट रूल्स, हाँ रूल्स के अलावा तो इसे मैं नंबर डालना नहीं चाह रहा हूँ वहाँ पे, तो चलो तुम सब लोगों को तो पता ही है। रिकॉर्डिंग्स में शेयर हो जाएं बस वो, हाँ यूट्यूब पे भी जाएगा तो आपका नंबर वहीं पे जाएगा ना? क्या क्या ये रिकॉर्डिंग शेयर होंगी ना? नहीं समझ, हाँ मैं ब्लर कर दूंगा बॉस। हाँ तो वो सही है सर। ये पजल भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे React के क्लास कंपोनेंट्स में बाइंड दिस यूज करते हैं, तो वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो? वो भी सेम एक मिनट, उसका एक एग्जांपल। हाँ ठीक है, वो भी, हाँ भी देख लेते हैं वो क्लास कंपोनेंट्स वाला दिस। सो देखो इसको पहले हमें बताना पड़ेगा दोबारा, इसमें तो ठीक है भाई, अपने पास कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। चलो ये तो पहला क्वेश्चन तो लाइक बहुत इजी है, तो बता ही लोगे, इसे तो रन भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये क्लियर है राइट? इसमें जॉन लॉग होगा। हेलो, हाँ जी सर, जी सर। एरो फंक्शन ये भी यार, ये भी एकदम सिंपल है, इसमें तुम्हारा अनडिफाइंड लॉग होगा क्योंकि ये ये टॉप अप मतलब लेक्सिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से करेगा काम, हमने अभी भी देखा। ये करने का कोई मतलब नहीं है यार, ये प्रोटोटाइप्स वगैरह पे जाने का, जो इवेंट लिस्नर्स होते हैं ना उनके अंदर जो दिस की वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही होती है, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे दिस का वैल्यू देखूंगा, ये एक इवेंट लिस्नर है और ये बटन पे अटैच है, तो जो दिस होगा वो हमेशा इस बटन को पॉइंट करेगा। फर्स्ट वाला ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट तो बहुत ये वाला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने इसे ओवरलुक कर दिया, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाइस नाइस, ठीक है बताओ गाइस इसका आउटपुट बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अनडिफाइंड, ठीक है अनडिफाइंड होगा, और कोई?
ठीक है, तो इसका अनडिफाइंड होगा राइट, बिकॉज अगेन कि हम फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं रेदर देन कि फंक्शन कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इस जो ये पर्सन डॉट से हेलो है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली लाइक ऑन विंडो ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई लाइक ये अनडिफाइंड होगा। सो गाइस तुम लोग भी ढूंढ लो यार, लाइक 22 कितने 18 लोग हैं, कम से कम दो तीन क्वेश्चन तो दो मुझे ढूंढ के, बिकॉज अब तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लाइक कितना भी सुपर हार्ड हो, तो एटलीस्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन दो जो तुम नहीं कर पा रहे हो। हाँ एक क्वेश्चन डाला, ठीक है यहाँ पे तो सीधे अनडिफाइंड होगा इसमें तो, चलो ठीक है लाइक बताओ गाइस आप लोग बताओ। ये लाइन नंबर 28 क्या प्रिंट करेगा और लाइन नंबर 30 क्या प्रिंट करेगा? 28 तो एलिस, हेलो एलिस। हाँ यस, और कोई आंसर? यस 28 एलिस एंड 30 विल बी अनडिफाइंड। यस, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कैसे मैं इस कोड में क्या चेंज करूं कि like ये एलिस को पॉइंट करने लगे? एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट राइट, सो सबको क्लियर है कि एरो फंक्शन क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं? या बिकॉज़ दैट विल रीड लेक्सिकली। हाँ यस, और मतलब लाइक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है एक बार फ्लो बता दोगे कि वो कैसे देख रहा है, मतलब जा एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो डाउट देख लेते हैं और एक बार विथ एरो फंक्शन देख लेंगे। सो अगेन अपने को हमेशा ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे से हेलो फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट पे, तो रूल नंबर 3 जो भी दिस की वैल्यू होगी इस फंक्शन के अंदर वो होगी मेरी इस लाइक पर्सन ऑब्जेक्ट। So, ये एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एलिस यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड, हमने एक फंक्शन को पास किया है सेट टाइम आउट के अंदर और हम उस फंक्शन के अंदर दिस डॉट नेम को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसे कॉल होगा वो डिसाइड करेगा दिस की क्या वैल्यू होगी। और हमें पता है सेट टाइम आउट जो भी कॉल बैक हम पास करते हैं उसे डायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट पे कॉल कर लेता है, दैट्स इट, डायरेक्टली इस तरह से कॉल बैक, दैट्स इट। तो रोल नंबर 4 लगेगा और यहाँ पे हमने यूज स्क्रिप्ट वगैरह कुछ यूज नहीं किया है, तो जो दिस की वैल्यू होगी वो होगी अनडिफाइंड, सॉरी नेम की वैल्यू, दिस डॉट नेम, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट पे कुछ नेम करके होता नहीं है, तो ये हमें अनडिफाइंड मिलेगा। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम सिंपली यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन को पता है कि मुझे दिस की वैल्यू को लेक्सिकली फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या, जब ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा तो जावास्क्रिप्ट का इंजन सिंपली कंपाइलर के पास जाएगा और पूछेगा कि भाई दिस की क्या वैल्यू है, तो जो कंपाइलर है वो सिंपली लाइक एक स्टेप ऊपर जाएगा। अब यहां से ये जो सेट टाइम आउट का जो स्कोप है, सेट टाइम आउट के स्कोप से बाहर निकलेगा और इससे हेलो फंक्शन के अंदर आ जाएगा, और से हेलो फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू है पर्सन ऑब्जेक्ट, तो हमें सिंपली सही आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इसको एक रन करके चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, हेलो एलिस और टाइम आउट एलिस।
मैं जल्दी से वो क्लास कंपोनेंट वाला भी बना देता हूँ, बता देता हूँ अगर कुछ मिलता है तो। सो सेम रूल हर जगह ही सेम लगते हैं। अगर हम कोई भी रिएक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सर, अच्छा मैं भी कर रहा हूँ सर रिजल्ट बता। सही है भाई। तो रिएक्ट में भी यार दिस का अभी तो फंक्शनल कंपोनेंट में तो दिस तो गायब ही हो गया है, बट क्लास कंपोनेंट में दिस था। ठीक है, तो अब देखो हम क्या ऐसे फंक्शन बनाते हैं, अगर अगर जिसने देखा होगा उसे पता होगा, जिसने नहीं देखा भाई देख लो, ये एंशियंट टेक्नोलॉजी है समझ लो। शो और इसको हटा के यहाँ पे मैं डिव बना देता हूँ, और यहाँ पे बटन बना देते हैं, कॉल कर लिया। तो सेम रूल्स यहाँ पे भी लगेंगे। अभी यहाँ पे तो मैंने दिस लिख दिया, ठीक है, लाइक दिस, बट ये फंक्शन शो कॉल कैसे हो? ये क्या टाइपो है क्या? ठीक है, सो बेसिकली ये शो फंक्शन कैसे कॉल होगा? अब वो पूरा डिपेंडेंट है इस बटन पे, बटन इस शो फंक्शन को मे बी डायरेक्टली कॉल कर ले रहा हो सीबी, ये सीबी मतलब कॉल बैक। ठीक है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा शो फंक्शन कॉल होगा, बट कैसे कॉल होगा? डायरेक्टली इस तरह से सिंपली विंडो पे, तो हमें दिस हमेशा अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते थे क्लास कंपोनेंट में। सबसे पहला कि आप सिंपली यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करो, ठीक है, सो दैट जब भी मेरा शो फंक्शन एग्जीक्यूट हो, लाइक ये दिस की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड आउट हो, और दिस हमेशा इस पेरेंट क्लास को पॉइंट करे। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन होता था यूजिंग बाइंड। हम क्या करते थे कि एक हर क्लास पे एक प्रॉपर्टी अटैच कर देते थे सेम फंक्शन नाम से, जैसे दिस डॉट शो इज इक्वल टू, हमने कर दिया दिस डॉट शो डॉट बाइंड, और यहाँ पे हमने दिस पास कर दिया सिंपली, दैट्स इट। हम वही काम कर रहे हैं जो अब तक करते आए हैं, कि हमने सिंपली इस जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस पे हमने एक की सेट कर दी शो, और उस पे सिंपली एक फंक्शन अटैच कर दिया जिसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, जिसको हमने सिंपली क्लास पे पॉइंट कर दिया। तो अगर ये लाइक जिनने क्लास पे काम नहीं किया वो सिंपली इसको इग्नोर कर दो, लाइक अगर कभी काम करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सो कि क्या हो रहा है। तो जिसने पूछा था क्लियर है क्वेश्चन ये तुम्हारा? ओके यस थैंक यू। ठीक है, तो मैं एक ट्राई और कर लेता हूँ बॉस, कि मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं। अदरवाइज तुम इन चार रूल्स का यूज करके ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक कोई भी क्वेश्चन। चलो एक इसको ट्राई कर लेते हैं, ये हम ट्राई कर चुके हैं, बट
यहाँ पे बताओ ये कोड क्या पीयूष लॉक करेगा या नहीं लॉक करेगा? कॉल करेंगे तो करेगा। हाँ गुड गुड भाई, इसने भी बोला कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे बताओ अब करेगा पीयूष? ठीक है एक ने बोला करेगा, और कोई? किसी को लगता है कि ये नहीं करेगा? तो ठीक है ये सिंपली यूज करेगा क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक नेम की वैल्यू मतलब सॉरी दिस की वैल्यू लेक्सिकली डिफाइन होगी और लेक्सिकली के लिए वो जाएगा सिंपली गेट डिटेल्स के पास, और यहाँ पे दिस की वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो एक क्वेश्चन चलो मैं फ्रेम करता हूँ, ठीक है? सर इसमें अनडिफाइंड कब होगा फिर? कहाँ पे? अगर इसमें पीयूष की वैल्यू फाइंड कर रहा है पीयूष, तो इसमें अगर पीयूष ना फाइंड करके अनडिफाइंड करना हो तो अनडिफाइंड कब होगा? अनडिफाइंड कब होगा भाई? देखो इस पर्टिकुलर केस में तो अनडिफाइंड तब होगा जब यहाँ पे नेम एग्जिस्ट ना करे। अगर नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो पीयूष आएगा क्योंकि हमने कोड इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर मैं इस गेट डिटेल्स फंक्शन को एरो फंक्शन बना दूं तब क्या होगा, कोई बता सकता है? तब अनडिफाइंड आएगा। ठीक है बस अब अनडिफाइंड आएगा। क्यों अनडिफाइंड आएगा? नेस्टेड एरो का नॉर्मल फंक्शन होता। नेस्टेड एरो, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, चलो इसे भी फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लॉग होगा चलो बताओ। पीयूष ठीक है, और कोई? Undefined. ठीक है, और कोई? Undefined लगा। हाँ, यहाँ पे undefined आएगा बॉस। undefined क्यों आएगा? सिंपली फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है? डायरेक्टली कॉल हो रहा है, राइट? कोई कुछ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। रूल नंबर 4, दिस क्या होगा? विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट पे नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो सिंपली undefined, राइट? अपने को कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिंपली सबसे पहला क्वेश्चन एरो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, हमें आंसर मिल गया एरो फंक्शन है तो लेक्सिकली, और एरो वो नॉर्मल फंक्शन है तो सबसे पहला क्वेश्चन किस तरह से कॉल हुआ है, देन सिंपली चार में से कोई सभी एक रूल देख लो कौन सा अप्लाई हो रहा है। चैट में है क्वेश्चन। ठीक है तो यार देखो अब अगर कोई भी क्वेश्चन अपने को मिलता है, अगर कोई भी लाइक नॉट रिलेटेड टू दिस, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमसे पिछला कुछ नॉलेज मांगता है कि अपने को पिछली चीजें कुछ पता हो तभी हम उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बाइंड फंक्शन क्या करता है, ठीक है? तो बाइंड फंक्शन क्या करता है? एक फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट चेंज करने के बाद हमको एक नया फंक्शन रिटर्न करके देता है, ठीक है? जो कॉल और अप्लाई मेथड है वो फंक्शन को इमीडिएटली कॉल कर लेते हैं, बट बाइंड फंक्शन हमको एक फंक्शन रिटर्न करके देता है। सो इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे सिंपली शो फंक्शन है, मैं शो फंक्शन का
कॉन्टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, शो फंक्शन पे बाइंड कॉल किया और सिंपली एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा कॉमेंट कर देता हूँ। जो मेरा fn1 फंक्शन है, fn1, ये fn1 एक फंक्शन है, ठीक है, इसे कंट्रोल करते हैं। बाइंड फंक्शन हमें सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करके देता है, ठीक है, ये सिंपली एक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, सिंपली शो फंक्शन ही है, ठीक है, जहां पे मैं कंट्रोल कर देता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग आई एम शो फंक्शन नेम fn1। तो ये देखो, ये fn1 के अंदर है बट शो फंक्शन ही है। बेसिकली मैंने fn1 में शो फंक्शन को सेव करा दिया बाई चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे शो फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो अभी कुछ भी हो सकती है, डिफाइंड नहीं है, बट fn1 फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो दिस होगा मेरा नेम निखिल, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, नीचे की वजह से कहीं से आ रहा है। अच्छा, मैंने कंसोल के अंदर किया होगा, ठीक है। तो लाइन नंबर 40 में हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने दिस को फिक्स कर दिया है कि भाई अब इस फंक्शन के अंदर दिस हमेशा इस पर्सन वन को पॉइंट करेगा, इसीलिए हमें निखिल देखने को मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली। अब जो भी मेरा फंक्शन है fn1, अब मैंने इसका रेफरेंस चेंज कर दिया पर्सन टू में, ठीक है। तो अब ये जो fn2 है ये हमेशा पर्सन टू को पॉइंट करेगा। तो अभी अगर मैं इसे कंसोल करूंगा तो सिंपली मुझे रैंडम दिखेगा, सिंपली निकलाया गया। ये तो थोड़ा भी देखना पड़ेगा भाई ऐसा क्यों हुआ। fn1 यही डाउट था कि वो पिछली रेफरेंस ही उठा रहा है, रेफरेंस नहीं अपडेट नहीं कर रहा, कॉन्टेक्स्ट नहीं अपडेट कर रहा। राइट। तो मे बी यार ऐसा होता हो कि लाइक एक बार अगर हमने किसी फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट अपडेट कर दिया तो उसका कॉन्टेक्स्ट फिर हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते। इसको सिंपली चेक कर सकते हैं, अपने को ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी। इसको लेके सिंपली चलते हैं हम चैट जीपीटी के पास, बंद कर दिया गया। यही रीजन होगा लाइक कि एक बार हाँ ये देखो वही रीजन है ना भाई, दैट इज परमानेंटली बाउंड, ठीक है। तो एक बार अगर तुमने बाइंड का यूज कर लिया तो उस फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। ओके, तो अप्लाई से भी नहीं चेंज कर पाएंगे अब यार, ये तो करके देखना पड़ेगा ना ऐसी चीजें। नहीं, कॉल और बाइंड से तो कर सकते हो ना, वो तो वन टाइम है। लाइक अगर तुम यहाँ पे कॉल करो, ये तो कॉल करके तुरंत खत्म कर देगा, मतलब कॉल और अप्लाई फंक्शन को इमीडिएटली कॉल कर लेते हैं, वो तुम्हें फंक्शन रिटर्न नहीं करते हैं। सिंपली अगर मैं ऐसे करता ना तो fn1 में एक फंक्शन नहीं आता, fn1 में शो फंक्शन का रिजल्ट आता, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कॉल और बाइंड, कॉल और अप्लाई के लिए अलग है। ये चीज भाई मेरे लिए भी नहीं थी, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था कि मैं दो बार सेम फंक्शन में बाइंड कॉल करूं। तो ठीक है, बेसिकली बस ये पांच रूल्स हमेशा याद रखना, और इन पांच रूल्स का यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वैल्यू दिस की कभी भी फाइंड कर सकते हैं। इस पर पोस्ट बना सकते हो क्या इन रूल्स के साथ? हाँ हाँ, लाइक आई विल मेक अ पोस्ट एंड शेयर इट। सर रेफरेंस के लिए एक बार रूल्स एक चैट में डाल दे। हाँ हाँ, मैं पोस्ट भी शेयर कर दूंगा बॉस, लाइक हाँ हाँ ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ना, लाइक
या रुको मैं दे देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो स्टॉप करते हैं।